माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट लेक्चर में बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम शुरू कर चुके थे, जिसके अंदर आपने सिस क्या है, ट्रांस क्या है वो पढ़ा। सिस और ट्रांस के बीच में हमने डिफरेंस क्या था वो बताया आपको। फिर नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था आपने ई और जेड, और कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ टोटल ई और जेड हमने भी वो भी किया था। एंड फिर स्टार्ट किया था आपने क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड्स भी किया आपने और ऑक्साइम। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने दो क्वेश्चन आपको दिए थे, उनमें से एक क्वेश्चन आपका ये रहा, दैट इज ये कंपाउंड मैंने आपको दिया था बच्चों, ठीक है। इसके टोटल आइसोमर्स पूछे थे। अब यहां पर देखो, एंड्स आर सेम, ठीक है। एंड्स किसको बोल रहे हो आप, CH3 एंड CH3 क्या बोल रहे हो, एंड्स बोल रहे हो। एंड डबल बॉन्ड्स कितने हैं बच्चों, थ्री ऑड। तो इसका जब आंसर मैंने कैलकुलेट किया था, आपको ये बताया था कि कितना आएगा आंसर, सिक्स आंसर था। एंड थ्योरेटिकली जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी टोटल ये आठ पॉसिबिलिटी है, जेड जेड जेड, आप देख सकते हैं ई ई ई। अब यहां पर देखिए, आई एम सॉरी, दिस इज योर यस, जेड 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 ई ई ई अलग, एंड जेड ई ई, फिर ई ई जेड। ये मैंने बताया कि ये दोनों कॉमन है, एक ही बात है, ठीक है। यहां पर जेड जेड ई या ई जेड जेड, ये भी आपके दोनों कॉमन है, पर ये आपके डिफरेंट है। तो टोटल कितने हुए, वन टू, इनमें से कोई एक थ्री, इनमें से कोई एक फोर, फाइव एंड सिक्स, टोटल देर आर सिक्स पॉसिबिलिटी। अब क्वेश्चन अराइज क्या हुआ कि ये दोनों हम सेम क्यों मान रहे हैं, ये तो होना चाहिए ना इतना, ठीक है ना। अब देखो जेड बनाओ, यदि मैं यहां पर इसकी में जेड बनाना चाह रहा हूं, देखो हो गया ना जेड, ई ई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो, ये ग्रुप उठा के यहां लेके जाना पड़ेगा, ठीक है भाई, यहां करना पड़ेगा ना आपको एच, और फिर क्या करना है आपको ई, ठीक है, एच यहां CH3 यहां, ओके बोलो, आया समझ में नहीं आया। तो यहां पर कंफर्म, इसका नाम क्या है, यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहां पर वन टू वन टू। मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन को हमेशा सेकंड पोजीशन देनी है, और कोई चेक करना ही नहीं आपको, इसकी टू इसकी भी टू, यहां टू यहां टू, हेयर टू हेयर टू, नाउ टू टू ऑन सेम साइड, जेड हेयर ई एंड हेयर ई, बताओ क्लियर हुआ है ये, हाँ यहां तो कोई डाउट है। अब इसका आप नॉन जैसे करो, यदि मैं यहां से कर रहा हूं नंबर डबल बॉन्ड को तो सेम क्वेश्चन मिली ना, टू फोर सिक्स, यहां से करेंगे तो भी टू फोर सिक्स, दोनों साइड से हमें इक्वल नंबरिंग मिल गई, चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, इसी तरह मेरी मर्जी में यहां से नाम लिखूं या यहां से लिखूं, बात तो एक ही है। यहां से कहेंगे तो क्या हो गया, कितने हैं टोटल कार्बन एटम, एट, ऑक्टा, टू ई, फोर ई एंड सिक्स जेड ट्राई ई, बोलो ऑक्टा, टू ई, फोर ई, सिक्स जेड ट्राई ई। अब यहां से कर लो तो ये नॉन जैसे पढ़ दिया आपने, अब यहां से करें तो क्या हुआ बोलो, मैं आपने किया पहले ये, यहां से पढ़ना शुरू किया तो ई ई जेड ई ई जेड, यहां से करेंगे तो क्या आएगा नॉन इंग्लिश, टू जेड ऑक्टा, टू जेड फोर ई सिक्स ई ट्राई ई, बोलो आ गया समझ, तो ये दोनों क्या आएंगे सेम, ऐसे ही ये भी आपके दोनों क्या आएंगे सेम, बिल्कुल क्लियर है। यानी जब इसका नाम बता रहे हो या इसका नाम बता रहे हो, क्या मुझे स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत पड़ी भाई, क्या इसको स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत पड़ी हमें, पहले मैंने किसका नाम बताया आपको, ई ई जेड, ये बता दिया, फिर किसका नाम बताया मैंने बेटे, जेड ई ई। मैं ये पूछ रहा हूं क्या इसका नाम लिखते वक्त इस पहले स्ट्रक्चर के साथ कोई छिड़काव नहीं की हमने, कोई नहीं की ना, इसका मतलब क्या दोनों सेम,
आई बात समझ में नहीं आई, तो बस यहाँ पर ये करना है आपको, ऐसे जब आप ये करोगे तब भी आंसर आपका सेम आएगा। करके दिखाऊं, बोलो कर लोगे ना इसको भी? yes, ठीक yes. है, अब ई अलग है, जेड अलग है, जेड अलग है, ई अलग है, ई अलग है, जेड अलग है, या आप यदि इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो यानी यूं कह लीजिए इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग, ऐसे इन दोनों का अलग अलग, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम, तो टोटल कितने बने? टोटल सिक्स आइसोमर बने, आठ नहीं, आठ तो अपने थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली कितने बनेंगे? छह बनेंगे। एनी डाउट? लास्ट फिर एक क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, C2FClBrIK टोटल कितने आइसोमर बनेंगे? तो बेटे ये आपका आंसर रहा, टोटल कितने बनेंगे आपके? सिक्स, बनाकर खुद देख लेना। फ्लोरीन को एक जगह रखो, देखो हमने फ्लोरीन की पोजीशन चेंज नहीं करी, एटलीस्ट एक तो यू कह लो, बाकी सबकी पोजीशन चेंज करते चलो, बोलो। yes, ठीक है, तो तीन क्या बनेंगे? जेड, और तीन क्या बनेंगे? आप करके देख लेना, नहीं समझ पाए तो फिर पूछना कैसे, बोलो। yes, बढ़िया आती। yes, ठीक है, अच्छा आज वाले लेक्चर में 3D का यूज है, तीन डायमेंशन चलेंगे, तो ध्यान से समझना है उसको, जहां भी लूप होल हो गया आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, इस चीज का ध्यान देना। ओके, चलिए, तो टुडेस इज वर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन। पहले हम बात करेंगे साइक्लोएल्केन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात, एल्कीन में कर लिया, ऑक्साइन में कर लिया और एजो में, नेक्स्ट है आपका साइक्लोएल्केन। देखिए ये है बेटे साइक्लोएल्केन, यहां पर हम क्या करते हैं, अप डाउन पोजिशन देखेंगे, दोनों अप पोजिशन सेम, दोनों डाउन पोजिशन सेम, तो इसको क्या बोलोगे? सिस बोलोगे। एक ध्यान रखना, ये जो है आपका सेम प्लेन में है, ये तीन कार्बन, यदि मैं आपको दिखाऊं, एक पेज दो बेटा मुझे, कोई भी ना, ना, ना दूसरा और कोई, यदि आप इसको देखो बेटा किस तरह है ये, जैसे मैंने साइक्लोब्यूटेन ले लिया, आप इसको ऐसे समझो, लेट ये साइक्लोब्यूटेन होता है, Cl, Cl, H, H, अब इसे समझो, वन पर और टू पर क्या मानोगे इसको, बोलो, साइक्लोब्यूटेन मान लो, वन टू थ्री फोर, कितने कार्बन है? चार कार्बन है। ठीक है बेटा, अब देखो क्या चारों कार्बन एक प्लेन में हो गए, वन टू थ्री फोर, प्लेन में हमेशा दो एक्सेस आएंगे, दिस वन दिस वन, या और एटम सारे आ जाएंगे, क्लियर है ना? अब क्या है, वन टू की बात कर रहे हैं, यदि ऊपर सीएल है तो ये से क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो यहां भी ऊपर क्या है, सीएल ही है, तो क्या बोल दोगे इसको, सिस बोल दोगे ना। आप दूसरे में यदि यहां पर सील है, इसको सील मान लो, ये सील है और यहां पर सील है, तो क्या हो गया, एक अप हो गया और एक डाउन, तो क्या बोलोगे, ट्रांस, बस बोलो, मुश्किल है? ठीक है, तो क्या ध्यान देना, साइक्लोएल्केन्स में आपको अप डाउन पोजीशन देखनी है, दोनों अप है या दोनों डाउन है, तो क्या बोलोगे, सिस, एक अप है एक डाउन है, तो क्या बोलोगे, ट्रांस, क्लियर? तो ये किसका आंसर था, क्या था, किसका एग्जांपल था, ये सिस का, ये किसका एग्जांपल है, सिस का, कर पाएंगे इसे? यस श्योर, ठीक है ना, चलो अब देखो एक बार, इन जनरल क्या होना चाहिए बेटा, ए बी ए बी, तो ये किसका एग्जांपल दे दिया हमने, सिस का, ठीक है, ऐसे ही ए बी
बी ए ये किसका है ट्रांस, ये देखना है अपोजिट हो गए ना, यहां दोनों सेम थे यहां दोनों अपोजिट हो गए तो क्या बोलोगे ट्रांस, कर पाएंगे इस एग्जांपल आ जाए तो बड़े आसान है ठीक है ओके चलो लाइकवाइज आपसे पूछ ले भाई ये किसका एग्जांपल है क्या देखना है सिर्फ पोजीशन देखनी है भाई लाइक ग्रुप दोनों अप या दोनों डाउन एच एच सेम सी एल सी एल ऊपर है बेटा अब जैसे या मैं यहां पर मैंने लिख दिया बी आर एक एग्जांपल है जेड ये भी सिस का ही एग्जांपल है क्यों भैया एटलीस्ट एक पेयर तो है वो तो क्या है डाउन है ना तो क्या बोलोगे इसको सिस बोल दोगे नहीं आए समझ में शो ठीक है अब बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन की जो कि अब आपका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन अभी जो लास्ट लेक्चर से पहले साइक्लोहेक्सेन पढ़ के हटे हो कन्फर्मेशन इक्विटोरियल एक्सियल उसके बारे में थोड़ी सी बताऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे देखो बेटे यदि मैंने यहां वही आ गया क्वेश्चन तो ये क्या है बच्चों सिस है ऊपर एच कर दिया नीचे सील कर दिया ट्रांस है ठीक है अब मैं इसको अभी ये कर देता हूं भाई नेक्स्ट किस तरह रिप्रेजेंट किया जाए सिस और ट्रांस को ये ध्यान से समझ लो यहां तो आप समझ रहे थे कि एक अप एक डाउन तो ट्रांस बोल दिया आपने यहां देखो क्या बोलोगे इसको सिस सिस एक साइड है दोनों क्लोज नहीं भाई यहां तो नहीं बता पा रहे ना कौन सा अप है कौन सा डाउन है यहां क्या हो गए कंफ्यूज हो गए अब क्या करेंगे हम अब आएगा आपके सामने ए ये बना या तो सिंपल इस तरह लिखा दो एच एच सीएल सीएल डैश डैश का मतलब सेम साइड वेज का मतलब सेम साइड बासन मान गए ना तो ये किस एग्जांपल है सिस का यदि मैं ऐसे कर देता यहां पर एच है यहां पर सीएल है और यहां पर सीएल है और यहां पर एच क्या बोलोगे ट्रांस भाई लाइक देखो डैश डैश पर क्या सेम ग्रुप है नहीं है यहां भी सेम ग्रुप है नहीं है तो इसका क्या नाम हो जाएगा ट्रांस बोलो आसान है कर पाएंगे ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखना सेम रिप्रेजेंटेशन पर सेम ग्रुप है तो सिस सेम रिप्रेजेंटेशन पर अलग अलग ग्रुप आ गए तो ट्रांस क्लियर अब आ जाओ साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म के अंदर वो जो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है आज का देखिए चेयर कंफर्मेशन बनानी आती है तो ये आपकी चेयर कंफर्मेशन ठीक है सुंदर नहीं बनी नहीं बनी अच्छा चलो दूसरी बना लो ए लो अब तो क्लियर है बोलो ठीक बनेगी ना अब मैंने आपको दो टाइप के बॉन्ड्स पढ़ाए थे बेटे साइक्लोहेक्सेन में एक का नाम क्या था एक्सियल दूसरा नाम क्या था इक्विटोरियल ओके और ड्रा करना भी सिखाया था एक बार दोबारा बताऊं बेटा चौंक दे मुझे रेड कलर बस देखो बेटे कहां से चलो डाउन अप डाउन अप डाउन अप मुश्किल है क्लियर ना या बिल्कुल सीधा सा है बेटे कौन से बॉन्ड आपको ऊपर की साइड कौन से कार्बन ऊपर है ये कार्बन अप ये भी कार्बन ऊपर ये भी कार्बन ऊपर ये देखो नीचे तरफ आ रहा है ये भी
नीचे तरफ आ रहा है, ये भी नीचे, जो नीचे की तरफ कार्बन है वहां एक्सियल नीचे कर दो, बिल्कुल आसान है। जो ऊपर की तरफ कार्बन है वहां एक्सियल ऊपर कर दो, खत्म, ठीक है। फिर क्या ध्यान रखना है, जहां पर एक्सियल अप होगा वहां इक्वेटोरियल डाउन है, जहां एक्सियल डाउन है वहां इक्वेटोरियल अप, बस कोई रट्टा नहीं मारना, ठीक है। अब देखो यहां क्या कर रखा हमने, डाउन है तो अप कर दो, इधर अप है तो डाउन, बस खत्म, अप है तो डाउन कर दो, यहां ये कर दो, यहां ये कर दो, बस बोलो। वही बात आपको ध्यान रखनी है, बड़ा आसान है बेटे, बहुत आसान है, रट्टा मत मारना। एक प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूं। अब एक बात बताइए, मैंने यहां सीएल रखा, इसको नंबर पोजिशन दे दी, तो इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5 और 6 तो कुछ भी पोजिशन नहीं बनेगी बेटे, क्यों नहीं बनेगी? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैंने लिखा सीएल और सीएल, ठीक है, समझने की कोशिश करो, सीएल और सीएल, क्या बोलोगे इसको, 1 3 बोलोगे ना, 1 2 3, इसको क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5, क्या बोलोगे, नीचे से आ जाओ ना, 1 2 3, यानी इसकी बात ही नहीं करेंगे फिफ्थ पोजीशन की, हो गया ना सन। ऐसे ही आप सिक्स्थ की भी बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वही बात आ गई बेटे, भाई यहां या यहां ये क्या है, 1 2, ये 1 6 है नहीं है, नहीं है, क्या है ये, 1 2 है, तो 6 को घटा दो, तो 4 की बात करेंगे, 4 की क्या, 3 की, 1 2 1 3 1 4, क्लियर। सिक्स ट्रांस का जो मैंने मेथड बताया था वो क्लियर है, अप दोनों अप सेम साइड, अप है तो सिस, एक अप एक डाउन है तो बस, इसी प्रिंसिपल को यहां यूज कर लो, क्या 1 2 की बात करते हैं, 1 2 ये बॉन्ड कौन से हैं बच्चों, एक्सियल बेटे, जो रेड से दिखा, लिखनी जरूरत तो नहीं ना, ठीक है। यहां इसको मान लिया आपने कार्बन नंबर 1, इसको 2 3 4, 5 और 6 की बात नहीं करेंगे, क्लियर है ना, क्योंकि 5 और 6 क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 हो जाएगा, तो यहां तो हम लिख नहीं रहे, हम बात करेंगे सिर्फ किसकी, 1 2 की, 1 3 की, 1 4 की, ठीक है। अच्छा अब 1 2 की बात करते हैं, एक्सियल एक्सियल, एक अप है एक डाउन है, ट्रांस, तो क्या होगा, ट्रांस, तो एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल अप इक्वेटोरियल डाउन, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ट्रांस, ओके। अब यहां पर देखो, इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों किस साइड है, सेम, बोलो सेम, सो दैट इज अप पोजीशन, और इसका एक्सियल और इसका एक्सियल और इसका इक्वेटोरियल, क्या बेटे, चलिए हमने इसका इक्वेटोरियल लिया था और ये एक्सियल, ठीक है। अब इसका इक्वेटोरियल और इसका एक्सियल भी क्या है, सेम साइड, सिस है, यानी सेम साइड है ना बेटे, आसान है बच्चों, एक्सियल डाउन एक्सियल अप, इक्वेटोरियल डाउन इक्वेटोरियल अप, तो क्या होगा, ट्रांस, दूसरा याद करनी जो, दूसरा ऑब्वियसली क्या होगा, सिस होगा, ठीक है ना, तो ये क्या होंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो क्या माना जाएगा, सिस माना जाएगा, क्या ये समझ में आ गया आपको, yes, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ध्यान से देखना, क्या 1 इसको रहने देते हैं, क्या 2nd और 4th एक जैसा लग रहा है, उधर देखो, क्या एक जैसा, मतलब यहां भी एक्सियल अप, यहां भी एक्सियल अप, यहां इक्वेटोरियल डाउन, यहां इक्वेटोरियल डाउन, तो जो हाल 1 2 का है वही हाल किसका होगा, 1 4 का, कितना आसान, बोलो। अब आ जाओ 1 3, तो अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे, देखो
इसका उल्टा है, इसका एक्सियल नीचे, इसका भी एक्सियल नीचे, तो एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल क्या हुए दोनों सिस। बोलो क्लियर है? इक्वेटोरियल एक्सियल देखो इसका इक्वेटोरियल कहां बच्चे बोलो अप है और इसका इक्वेटोरियल अप है, हो गया वो दोबारा सिस। आप क्या करना है, एक का एक्सियल दूसरे का इक्वेटोरियल, इसका एक्सियल डाउन इसका इक्वेटोरियल अप, तो क्या कहलाएंगे बताओ? आसान आया समझ अच्छी तरह कर लेंगे ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस क्या है, मैं एक दो क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। लास्ट टाइम मैंने कंफर्मेशंस में आपको ये बताया था बेटे कि इक्वेटोरियल पोजीशन वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन। तो जो बड़ा ग्रुप है उसको कहां रखोगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना, इसको मत भूलना ठीक है। करें क्वेश्चन, चलो हो जाओ शुरू, इसको रहने दूं या साफ करूं? चलो ये सख्त रह देता हूं ठीक है। जैसे बेटा क्वेश्चन दे दिया, ट्राई टू सॉल्व। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है? बड़ा ग्रुप आ गया, या इसको और मोर करेक्टली लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया बेटे कि भाई इसकी मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बना के दिखाओ, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। ध्यान क्या रखना है, ये कहां होना चाहिए? इक्वेटोरियल होना चाहिए। आ जाओ कैसे, ठीक है बेटे, ये और ये क्या शो कर रहा है, सिस है या ट्रांस है? सिस। बोलो सिस। सिस। ये मत सोचना सर ये ऊपर है ये नीचे है, ध्यान से देखो दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेम है। गड़बड़ नहीं करनी है, कहीं सोचो एक ऊपर आ गया और एक नीचे, ट्रांस बोल दो। ये क्या दोनों सिस है और ये दोनों क्या है, ट्रांस है, और ये दोनों क्या है, ट्रांस। बात समझ आ गई ना? ठीक है, इसको मैंने रख लिया बेटे कौन से पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर ME। मुझे यहां क्या रखना है, ME रखना है, पोजीशन बाद में देखेंगे ठीक है। फिर यहां भी क्या रखना है, ME रखना है। फिर फोर्थ पर क्या रखना है बेटा, मैं फोर्थ तो मैं यूं ही लिख करूंगा भाई, फोर्थ का तो सोचना ही नहीं है, नहीं आया समझ में? फोर्थ पोजीशन का जो ग्रुप है वो क्या है, बल्कि ग्रुप है, भारी ग्रुप है, उसको हम एक्सियल पर रख ही नहीं सकते। मैंने बताया भी था यदि इसको आप इक्विटोरियल पर रख रहे हो लास्ट लेक्चर में कंफर्मेशन वाले में, मोर देन 99.9% ये इक्विटोरियल पर ही रहता है, आए ध्यान? तो इसके लिए तो एक ही ऑप्शन है बस, कहां? इक्विटोरियल। बोलो क्लियर? अब क्या पूछा इसने, 1 4 6, ये रहा बेटे 1 4 6, यानी देखो इसको मैं कहां ले आया, इधर, ये कहां है, डाउन, तो यहां भी ये कहां होना चाहिए, डाउन, यानी कहां आना चाहिए, एक्सियल। बस नहीं समझे? 1 4 मुझे क्या है चाहिए, सिस चाहिए, इसको मैं कहां लेके आया हूं, डाउन पर, और यहां पर डाउन कौन सा बोन्ड होगा, एक्सियल बोन्ड होगा। अब 1 और 2 ये क्या है, ट्रांस। यदि बेटे ये डाउन है तो ये कहां होना चाहिए, अप होना चाहिए। तो ये आपका आंसर हुआ। मुश्किल है? नो सर। कर पाओगे? यस सर। बोलो शोक ठीक है। और कोई ऑप्शन तो नहीं ना, क्योंकि इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। बड़े ग्रुप को तो हमेशा कहां रखना है, इक्विटोरियल पर ही रखोगे, और कोई बेटे आपके पास चांस है ही नहीं ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन तुम कर लो ठीक है, ये एक्सेप्शन का क्वेश्चन है।
मेन फंडा क्या है इसमें, ये क्लियर हो गया? बड़े ग्रुप को कहां रखोगे? इक्विटोरियल। जैसे कई बार बेटा हमने, अब ये बताओ कैसी पोजीशन है? सिस सिस है, ट्रांस है, सिस एक जैसी लग रही है बाजू। देखो एक धन है ना, जरूर नहीं कार्बन इसको मान लो फर्स्ट, 1 2 3 4 आपकी मर्जी कहीं से शुरू कर लो। अब मैं यहां से कर रहा हूं ऊपर, ठीक है? तो सिस है तो बेटे वन थ्री, अब एक तो ऑप्शन ये है, बताओ है कि नहीं भाई? एक ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन कौन सा है स्टेबल? सेकंड। क्या होना चाहिए आंसर? सेकंड। अब तक मैंने जो पढ़ाया है, देखो ध्यान से, फर्स्ट स्टेबल है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक्सेप्शन था बेटे, ठीक है ना? तो क्या ध्यान दोगे, क्या आ जाएगी इसके अंदर? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो एक्सियल पोजीशन है वो क्या है? वो स्टेबल, और ये क्या बेटे? आगे समझो, या यहां पर दिया होता तुम्हें एफ दिया होता फ्लोरीन, तो भी इसका एक्सियल वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल, कर पाएंगे? ठीक है। अच्छा बेटा सिस ट्रांस तो फाइंड आउट कर पाएंगे ना? पक्का? सिस ट्रांस में तो क्या देखना है, मान लो कोई भी लिख दिया बेटा, जैसे मैंने लिख दिया भाई, क्या है सिस है ट्रांस है, बोलो सिस है, दोनों क्या है? डाउन। ये क्या हो जाएगा? ट्रांस, एक डाउन एक अप, बस वो तो कोई जरूरी है क्वेश्चन करवाने की, बोलो ठीक है? ओके बेटा, वन मोर क्वेश्चन, ये भी आपका एक एक्सेप्शन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। बल्कि ग्रुप आ गई, हां जी, फर्स्ट पर और फोर्थ पर, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कहीं से कर लो, 1 और 4 पर क्या आ गया? बल्कि ग्रुप आ गया। अब कैसे करेंगे इसको? मैं यदि इसको 1 मान रहा हूं तो इसको 4th मान लो, कोटेशन तो नहीं इसमें तो, ठीक है? ये तो पक्का कहां होना चाहिए? ये दोनों के दोनों कहां होने चाहिए? इक्विटोरियल पर, और कोई हमारे पास चांस है ही नहीं। अब देखो OH, यहां पर अब यदि ये अप है तो ये भी मुझे अप करना पड़ेगा सिस के लिए, यदि ये डाउन है तो ये भी डाउन करना पड़ेगा सिस के लिए, बिकॉज ऑल आर सिस। बताओ समझ में आ गया? आप सुनो बेटा, ये क्वेश्चन आपका CSIR IIT जेम का एक टेस्ट होता है बेटे, नॉट CSIR, IIT जेम, वहां आया था, ठीक है ना? अब क्या करेंगे बेटा, इसकी जो ट्विस्ट बोट है ना वो ज्यादा स्टेबल है, कौन सी? ट्विस्ट बोट, चेयर कंफर्मेशन। वैसे तो हम किंग जनरली क्या देखते हैं कि जो चेयर कंफर्मेशन है वो ज्यादा स्टेबल होती है, पर यहां पर ट्विस्ट बोट आपकी ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है? यहां पर क्या आ जाते हैं? OH, ठीक है, और इससे क्या बन जाती है आपकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां पर डाउन पोजीशन पर क्या आ जाते हैं आपके? ये दोनों बल्की ग्रुप, ठीक है? आई बात समझ में? ये आपका एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर
ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल है किससे? चेयर से, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? चले आगे बताओ, क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम आगे करेंगे अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके लेवल पर। सुनो मैं आपको सिंपली बताऊं बेटे, फ्रेंकली आपके लेवल पर क्वेश्चन कहां तक आएंगे, या तो 1-2 के पूछ लिया, 1-3 पूछ लिया, 1-4 पूछ लिया, बस ये मैक्सिमम ही आ सकता है। कोई बल्कि ग्रुप है तो कहां रखोगे, बस इतना एक कर पाओगे ना उसको? ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइक्लोएल्किन्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन में यदि कार्बन एटम इक्वल टू 7 है या बेटे लेस देन 7 है, तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है ड्यू टू स्ट्रेन। वो बिकॉज वो सारे की सारे किस फॉर्म में होती है बेटे? सिस फॉर्म में ही होती है, ट्रांस में नहीं होती। हमें उसको क्या करना पड़ता है, जैसे ये ले लिया मैंने, ठीक है, अब इसके लिए मुझे एक यही तो पॉसिबिलिटी है ना, ट्रांस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, यो ट्विस्ट करना पड़ेगा इसको, पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रोटेशन के लिए हमने मना कर चुके हैं ज्योमेट्रिकल में, ऑलरेडी मना कर चुके हैं भाई कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में रोटेशन नहीं है, रोक रखा हमने। तो इसलिए बेटे ये आपका अप टू साइक्लोहेक्टीन तक वो किस फॉर्म में होते हैं? सारे के सारे सिस फॉर्म में होते हैं। थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली कोई भी ट्रांस उसका स्टेबल है ही नहीं। बोलो अब यदि आपके साइक्लोएल्केन्स इक्वल और ग्रेटर देन 8 है तो वहां पर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल है सिस और ट्रांस। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, ये है बच्चों आपका साइक्लो ऑक्टीन। किस फॉर्म में बेटे ये? सिस फॉर्म में। ट्रांस फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक बार, यहां से इसको नंबर दो, देखो यहां 1-2, इसको 1-2-3-4-5-6-7-8, यहां ट्विस्टिंग पॉसिबल है, ट्विस्ट किया हमने सिर्फ यू, रोटेट नहीं, रोटेट तो यू है, क्या किया है? ट्विस्ट किया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो, मोड़ दो उसको। अब हाइड्रोजन क्या आ गए, बोलो अपोजिट, तो कौन सी आ गई है? ट्रांस। यहां पर ट्रांस फॉर्म लेस स्टेबल है, ये बेटे आपकी लेस स्टेबल होगी, और सिस आपकी मोर स्टेबल है। और उसमें क्या किया था हमने, ओपन चेन वाले में ट्रांस को आपने ज्यादा स्टेबल बताया था, क्यों? बल्कि ग्रुप दूर दूर थे। सिस में क्या था, नजदीक थे, तो क्या होगी? स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, रिपल्शन होगी। यहां पर दूर दूर है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए ओपन एल्कीन में, ओपन चेन एल्कीन में क्या था, ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल थी एज कंपेयर टू सिस। पर यहां पर क्या ध्यान दोगे, तो ट्रांस है वो लेस स्टेबल है और सिस क्यों, ये स्ट्रेन आ गया, वो वापस कोशिश करेगा दोबारा फिर सिस में आने की। भाई आप एक नॉर्मल चीज को थोड़ा ट्विस्ट कर रहे हो, नॉर्मल चीज थी उसको ट्विस्ट कर रहे हो आप, तो उसमें स्ट्रेन नहीं आ गई, कोशिश क्या करेगी वापस फिर उसी फॉर्म आने की। तो यहां ट्विस्ट करके ट्रांस में हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो इसलिए क्या आपका लेस स्टेबल है और ये क्या है, ठीक है। अब जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, साइक्लोडेकीन की बात करता हूं, यहां ट्विस्टिंग की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, देखो एक बार, ये देखो मैंने डबल बॉन्ड यहां लगा दिया। अब आपको ये चेक करना है, ध्यान से सुनो, कि ये चेक करना है कि सिस है ट्रांस है। देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड किस साइड जा रहे हैं,
सेम साइड नहीं हो गए, इसलिए दूसरी साइड क्या लगा दो, ऐसे लगा दो, तो कौन सी फॉर्म होगी इसकी, सिस। बस आसान है, सिस और ट्रांस चेक करना है, कंफ्यूज नहीं होना बेटे कि ये सिस है ट्रांस है, क्या चेक कर लो, ये देखो बॉन्ड क्या आ रहे दोनों, दोनों बॉन्ड डबल बॉन्ड के इधर है ना, तो सेम साइड, ये दोनों इधर है सेम साइड, तो क्या है सिस। अब सुनो, यदि मुझे ट्रांस बनाना पड़ जाए इसका, ये लो बिना ट्विस्ट करे, बिना ट्विस्ट करे, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, कौन सी फॉर्म होगी ट्रांस। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एच इधर लेके आना पड़ेगा, एच इधर लेके आना पड़ेगा, इसमें भी स्टेबिलिटी कम है हाइड्रोजन की वजह से, यहां क्या है ये हाइड्रोजन स्ट्रेन हो जाएगी बेटे यहां पे, तो क्या ध्यान देना है, जो साइक्लो एल्कीन है वहां पर जनरली जो सिस एल्कीन है वो मोर स्टेबल पाई जाती है एज कंपेयर टू ट्रांस एल्कीन। बोलो आ गया समझ में, बढ़े आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा एलिन्स, अब तीसरी आंख खोल लो, तीसरी आंख का मतलब क्या होता है, इमेजिनेशन करनी है अब आपको, ठीक है। बात चल रही है एलिन्स की, एक बात ध्यान से सुनो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या थी, एक बार वापस ज्योमेट्रिकल पर आता हूं, यह था सिंपल एल्कीन Cl Cl H H cis, ये था ट्रांस, ये जो डिस्टेंस है इसको मान लिया मैंने L1, इसको मान लिया L2, ठीक है, या LC लिख लो या LT लिख लो, कौन सी बड़ी लग रही है LT, यानी ट्रांस वाली जो लेंथ है वो ज्यादा है किससे, पहली बात। दूसरी बात, सारे के सारे एटम क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए, सारे प्लेनर होने चाहिए, कैसे देखो, अब सुनो, तो ये ब्लू बॉल है, इनको मानो कार्बन, ठीक है, ग्रीन जो ग्रीन बॉल है क्लोरीन मान लो, इनको मान लो हाइड्रोजन। अब देखना एक बार, ये इस तरह सारे के सारे मैंने यहां दिखा दिए ना, बोलो सारे के सारे टच कर रहे हैं बोर्ड को, सारी बोर्ड टच कर रही है बेटे, तो इसका मतलब क्या है, सारी एक प्लेन में, नहीं आया समझ में, ठीक है। अब देखो यहां पर ये लेंथ और ये लेंथ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है बेटा, क्लियर हुआ, क्या कंडीशन, सारे के सारे एटम एक प्लेन में होने चाहिए, ठीक है, और जो लाइक ग्रुप की डिस्टेंस है सिस में और ट्रांस में क्या होगी, अलग अलग होगी, और ट्रांस वाली सिस से ज्यादा होगी, बढ़े आगे। अब आगे एग्जांपल आ गए बेटे एलीन, बस इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटे, एलीन, ठीक है, एलियन किन को बोलते हैं, जहां पर डबल बॉन्ड कंटिन्यूस आ जाए, क्यूमुलेटेड डाइन बोल देते हैं बेटे, दो के लिए डाइन तीन के लिए ट्राइन, ऐसे ही एलियन में जनरली क्या बता रहा हूं, जहां पर कंटिन्यूस डबल बॉन्ड आते रहे, चाहे वो ऑड है चाहे वो इवन है। अब सुनो, जैसे ये एग्जांपल लिया बेटे, सीएल एच सीएल एच, बताओ क्या है, सिस है, बिना देख बिना आप तक समझे तो सिस ही बोलोगे, क्या लग रहा है दोनों सेम साइड, तो सिस। पर बेटे यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है इसमें, अब यही चीज आपको समझनी है, कैसे समझोगे, सुनो, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp, ओके, यहां कौन सी है sp2, इधर इस कार्बन में sp2, इस कार्बन में भी sp2, यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका, अब देखो बेटा इसने इसके साथ क्या बना रखा है, यानी पाई बॉन्ड बना रखा है ना,
तो क्या मैं ऐसे कर लूं? पाइप बाउंड नहीं बनाओगे? यस सर। अरे पाइप बाउंड तो ऐसे ही बनाओगे, भूल गए। परपेंडिकुलर टू सिग्मा बॉन्ड, परपेंडिकुलर टू सिग्मा बॉन्ड। अब ये इसके साथ ओवरलैप कर गया, बताओ क्या इतना क्लियर है? ध्यान से समझाना एक बार। आज इसको मान लिया मैंने px, इसको भी मैंने px मान लिया, क्या ये ऐसे ओवरलैपिंग कर लेगा? इसके px ने इसके px से ओवरलैपिंग कर ली, अब यहां कोई भी चांस नहीं है, नहीं है। नहीं समझ में आया? अब क्या होगा फिर? अब यू मान लो बेटे किसका है पी वाई या पी जेड खाली पड़ा है, वो आ गया ए, ये तो इसी का फिर ये यूज करना पड़ेगा। इसको क्या बताया था मैंने सिग्मा और पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग किस किस की होगी बेटे? पी एक्स, पी एक्स, पी वाई, पी वाई, पी जेड, अमंग पी और बटल की बात चल रही है, या एस की और पी एक्स की भी होती है। हम पी एक्स क्या मान ले अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, ये ध्यान दो। एस या पी एक्स पर कंडीशन क्या क्या मान रखा है एक्स को हमने? अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सेस मान रखा है, पर बात यहां पर किसकी हो रही है? पी और बटल। तो यही पॉसिबिलिटी है, पी एक्स कैनोट कंबाइन विद पी वाई, कैनोट कंबाइन विद पी जेड। क्या ये समझ में आया? ओके, जहां भी अटक जाओ पूछ लेना, ठीक है ना? Yes, तो इसने इसके साथ ओवरलैप कर ली। अब ये थे आपके पी एक्स पी वाई पी जेड, परपेंडिकुलर थे तीनों एक दूसरे के, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, बस क्लियर है? अब सुनो, ये सीएल सुनते जाना, ये एच, ये कार्बन और ये कार्बन, ये आपके एक प्लेन में आ जाओ। ब्लैक जो भी पर्पल कलर है, ब्लू कलर है, ये कौन है आपके? कार्बन, ठीक है बेटा। अब तुम इसको ऐसे समझो, ये कौन? सीएल। ये कौन? एच। ये कौन? कार्बन। और ये कौन? कार्बन। नहीं आया समझ में? पक्का बेटे? ये बताओ यहां तक क्लियर है? अब यहां आगे बढ़ते हैं, ये सीएल, ये एच और ये कार्बन किसी दूसरे प्लेन में, यानी मेरा कहने का मतलब ऐसे समझो, अच्छी तरह तुम्हें समझ में ये आएगा, यानी बेटे ये ऐसे नहीं है सारे के सारे, तीन कार्बन, ये सीएल मान लो, ये एच मान लो, ये सीएल मान लो, यानी इनके ज्योमेट्री ऐसे नहीं है बेटे, इनका अलग प्लेन है। यस सर, समझ गए? और इनका अलग प्लेन है, क्यों है ये अलग प्लेन बताओ? PY और PX, यही चीज आपको समझनी बेटे, क्योंकि ये बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये क्या था? PX। इसको चाहे आप PY बोलो, चाहे इसको PZ बोलो, पर ये क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों CL, दिस CL H, CL H, ये अब आपके एक प्लेन में नहीं है। अब ये किस तरह है समझने की कोशिश करो, ये इस तरह हो गया बेटा, ये इस तरह है। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो। यस सर। ये और ये क्या है? एक प्लेन में। भैया जो बीच वाला कार्बन है ना बेटे, साझा लाएगा, ये तो साझा कार्बन है ना, कॉमन कार्बन है ना,
ये और ये तो लीनियर है तीनों, ये न्यायसम लीनियर क्यों है? इसके अंदर एग्रेशन कौन सी है? एसपी, और एसपी क्या होती है? लीनियर, याद करो। क्लियर? मैं क्या कह रहा हूं बेटा, एक दो तीन, ये तो तीनों लीनियर। देखो यहां भी दिख रहे हैं, उसमें मैंने कोई छिड़का नहीं की। मेन क्या समझना आपको, ये सीएल और ये एच एक प्लेन में, पर इसका एच और इसका सीएल इसके परपेंडिकुलर है। ये बात बताओ क्लियर हुई है? अब देखो बेटे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या लगा दी, एक प्लेन में होना चाहिए और ये एक प्लेन में नहीं है, है नहीं, तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कोई भी चांस नहीं है। नहीं। क्या ये बात क्लियर होगी? यस सर। ठीक है, अब सुनो, कोई डाउट तो बताओ, मैं दोबारा बताऊ? श्योर? आगे सुन लीजिए। अब आते हैं हम दूसरे केस पर, ठीक है? क्या ये क्लियर है तुम्हें कि जो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? yes, इतना तो क्लियर है ना? ठीक है, ये रेड वाला था बेटे, ठीक। अब सुनो, अब ले लिए मैंने यहां से इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अब ले लिए ऑड, यहां है सिस ट्रांस। क्यों है ये आपको फिर समझना है। आज इसका यूज करें आप पीएक्स, इसका भी यूज कर लिया पीएक्स, पीएक्स पीएक्स, ओके देखते रहना। इसने कितने डबल बॉन्ड बना रखे हैं? इसने दो, दो, इसने एक, ये बना लिया। इसको तो हमने सेटिस्फाई कर दिया, अब किसको करना सेटिस्फाई? इसको क्या करोगे? इसने दूसरा डबल बॉन्ड इसके साथ बना रखा है, यदि ये ऐसे आएगा बेटे मुझे इसका भी ऐसे ही लेना पड़ेगा, नहीं ऐसा समझ लो, पक्का बोलो। अब क्लियर? यस सर। बताओ क्लियर? यस सर। पीएक्स पीएक्स लो, अब क्या हो गया, इसका भी पीएक्स पीएक्स, इधर भी पीएक्स पीएक्स, एक प्लेन, तो ये क्या शो करेगी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। यानी बेटे यदि यहां प्लेन अलग अलग हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है, प्लेन सेम आ गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। क्लियर है? तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? सिस होगी। अब क्या याद रखना है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, ऑड है तो शो करेगी। अब पावर पॉइंट ये याद रखो, क्या इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंट प्लेन, और ऑड वाली शो करेगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज एंड वाले क्या हो जाते हैं? सेम प्लेन में, इनका हमने कोई मतलब नहीं है, हमने ये और ये क्या होना चाहिए? एक प्लेन होनी चाहिए, वो मिल गया, बस खत्म। मुश्किल है आसान? आगे समझ में चले, थोड़ा सा हो गया मुझे। नेक्स्ट बात करेंगे अब बाई फिनाइल की, ऐसा ही नेक्स्ट आ गया, बाई फिनाइल और स्पाइरल एल्केन्स आ गया बस आपको, ठीक है? बाई फिनाइल ये है बेटा बाई फिनाइल, और यहां पर कोई ए ग्रुप रख दिया, यहां पर बी रख दिया, यहां पर ए रख दिया, यहां पर बी रख दिया, हमें क्या लग रहा है, क्या है? सिस। फिर कंडीशन हटा दो, क्या प्लेन क्या होना चाहिए? सेम प्लेन, यदि ये सारे के सारे सेम प्लेन में तो ही तो बोलोगे ना सेम साइड या डिफरेंट अपोजिट साइड, वो जो पेज रखे थे बेटा उठा के, हाँ ये वाले,
अब देखो ये है आपकी बेंजीन रिंग मान लो, ठीक है बेटा, यदि ये ऐसे होती ये यू, ठीक है इस तरह होती तो सारे सारे क्या हो गए, एक प्लेन हो गए, एक एटम यहां जुड़ा हुआ है, एक एटम इधर है, एक एटम यहां, देखो इमेजिन भी करो थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत इमेजिन भी करो, मान लो ये खरी डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, ध्यान रखना ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, ध्यान से मैं वैसे पकड़ लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, दो इधर है, यदि ये सेम साइड हो गई, यहां ए है, यहां ए है, यहां बी, यहां बी, तो क्या बोल दोगे सिस, पर कब बोलोगे, जब वो ये होगी तभी तो बोलोगे, पर ये ऐसे नहीं है, ऐसे। आगे बात सुन, दो रिंग ये कैसी पाई जाती है बेटे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्लियर हुआ, श्योर। अब इसके साथ जो ग्रुप था वो कहां गया, ऊपर गया ना, ऊपर की साइड, और ये इसी प्लेन में रह गया, क्या इसके साथ जो ग्रुप था वो सेम प्लेन में है इसके, ना सर, यूं हो गया बेटे, प्लेन नहीं है सेम, तो क्या बोलोगे, देयर इज नो केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये हाल किसके साथ हो गया, बाई फिनाइल के साथ, दो फिनाइल जुड़ गई बेटे आपस में, ठीक है। तो यहां पर भी ये दोनों रिंग किसमें पाई जाती है, बोलो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए यहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कोई भी केस नहीं है, होगी ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, ड्यू टू डिफरेंट प्लेन, बताओ। अब मान लो ऐसे आ जाता है, यूज करोगे ब्रेन तो समझ पाओगे, रट्टा मारोगे जीओसी में समझ में नहीं आएगा, ए ए बी बी यहां होगा, खैर मैंने तीसरी नहीं बनाई, देना बेटा एक पेज, चलिए दे। देखो कैसे समझोगे इसको, तीसरे वाले को ये यू होगी और ये यू है, बीच वाली कैसे है, इसको ऐसे पकड़ो, दिस इज ओके, ये ऐसे और ये ऐसे, लास्ट की दो क्या होगी, एक प्लेन में, यानी क्या देखना आपको, ये और ये परपेंडिकुलर, ये और ये, ये और ये, वन टू थ्री, वन टू परपेंडिकुलर, टू थ्री परपेंडिकुलर, वन थ्री सेम, तो ये क्या है, सिस है, ट्रांस है, बोलो बोलो सिस, बस खत्म, ओके नेक्स्ट देखो, ऐसा ही केस आता है आपका स्पाइरो का, वो भी बिल्कुल आसान है, ठीक है, सेम केस है, स्पाइरल किंग्स, दो मुझे वो दो रजिस्टर छोड़ो, जैसे ये मान लो, क्लियर, यदि ये ऐसे जुड़े हुए होते यूं होता तो पॉसिबिलिटी थी किसकी, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, यहां पर एक ग्रुप हो जाता है, इस साइड एक ग्रुप, भाई मैंने इसको देखो ए यू पकड़ लिया, एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप इधर, तो क्या बोलोगे सिस, पर ऐसा नहीं होता, यदि सेम साइड होते तो सिस बोलोगे, ना तो ट्रांस, क्या है इसमें भी आपकी, ये बटे एक यदि इस प्लेन में है तो दूसरी इस प्लेन में, यहां भी सेम जैसा बाइफ नहीं था ना, ऐसा ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम केस एज दैट ऑफ बाइफ फिनाइल, वही ये दोनों रिंग आप मान लो यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर ए है, यहां पर बी है, अच्छा अच्छा मैंने इधर ग्रुप बता दी बटे, ठीक है ना, ग्रुप है इस पर कैसे, इधर यहां
क्लियर। जो लास्ट कोण बच गया इसका ये कॉर्नर और इसका ये कॉर्नर, अब ये जुड़ा हुआ था पर ये ऐसे जुड़े ही नहीं है, ये आपके एक प्लेन में है ही नहीं, ये आपकी इस तरह है, यानी ये दोनों रिंग आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने की वजह से ये ए बी और ये ए बी एक प्लेन में नहीं है, और प्लेन में नहीं है तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होगी, ठीक है। तो इसको ऐसे दिखा देते हैं भाई, ये एक प्लेन में नहीं, ठीक है, तो देयर इज नो चांस ऑफ ज्योमेट्रिक। अब समझ में आ गया हम क्या करना चाह रहा हूं, क्या फॉर्म है यार बोलो, सिस फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड परपेंडिकुलर, सेकंड थर्ड परपेंडिकुलर, फर्स्ट और थर्ड सेम प्लेन, सेम प्लेन में आती है, क्या बन गई अब सिस, बोलो बी को इधर ले जाओ एक इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगी ट्रांस, दैट्स ऑल। आगे समझ लास्ट केस बच गया आपका, आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर साइक्लो एल्काइलिडीन, और तो बेटे मेरा खत्म ही हो गया है, जैसे लास्ट केस बचेगा तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। साइक्लो एल्काइलिडीन ये होता है बेटे कि डबल बॉन्ड के साथ कार्बन है, एक तरफ साइकिल है, सी डबल बॉन्ड से यानी यहां क्या जुड़ा हुआ है साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, और इधर कौन है ए ग्रुप है, मान लो बी ग्रुप, लेट। अब एक बात सबसे सिंपल मैंने ये ले लिया, हाँ मान लो मैंने यहां एच ले लिया, लेट, ठीक है, यहां ले लिया सी एच थ्री, अब इधर सी एच टू है और इधर सी एच टू है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ लेंगे भाई बताओ क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, बोलो क्या बताया था, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो क्या होने चाहिए डिफरेंट, यहां भी सी एस टू है यहां भी सी एस टू है तो ये इसमें नहीं होगी, नहीं आया समझ में। अब आ जाओ अगली सी एस थ्री एच, यहां लिख दिया मैंने सी एस थ्री, इसमें हो जाएगी, आप यहां पर ई जेड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं समझ में आया खरीद है, क्या होना चाहिए भाई इसके लिए C 2H मान लो, इसके लिए CH CH3 यहां H यहां, आप फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ एग्जांपल दूं करोगे, जैसे करो एक बार बताओ किसमें होगी या नहीं होगी, CHCl एच सी एस थ्री सी एस थ्री बेटे इनका बताना पड़ जाए, इसमें होगी बोलो नहीं। क्या देखना है सेम ग्रुप आगे बढ़ो सेम ग्रुप इसको छोड़ दो ये तो कॉमन होगा दोनों का बोलो CH2 कोई चांस आगे बढ़ो सी यहां पर कौन है दो एच ये सी एस टू क्यों बोल रहा हूं क्लियर है ना सी एस टू यहां कौन है सी एस टू पर यहां कौन है इसमें होगी भाई ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए ना डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए ये तो कंडीशन है अपनी अब आ जाओ इसमें यहां सी और एक एच सी एक एच सी एक एच इसको भूल जाओ क्योंकि ये कॉमन है दोनों के लिए बोलो होगी नो सर हां नो सर
कोई चांस नहीं। इसमें आ जाओ सी एच एच यहां क्या पर सी एच सी एस थ्री यस। आगे वाले में आ जाओ सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एस टू ये भूल जाओ कॉमन है। एक दो देखो इधर इधर फिर आगे बढ़े आगे बढ़े ये किसका मान होगी किसी का ना मान लो इसको भूल जाओ बोलो पॉसिबल है कोई चांस नहीं। अब यहां पर यस सी एस थ्री एच सी एस थ्री कलियर हुआ श्योर समझ गए अच्छी तरह। ओके बेटे तो आज के लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर चुके हैं। ओके नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू ऑलवेज बी हैप्पी बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।